चूहा बड़ी छोटी सी चीज है जी। सड़क के बीच चूहे के साथ ना डॉग्स खेल रहे थे, तो मेरे को लगा कि शायद इसको मार रहे हैं, पर जब मैं उसको लेकर आई और मैंने ग्लूकोज वाला पानी उसको जब पिलाया, उसने दो जो 10-10 ml की सिंच थी उसने वो पानी पिया। पुरानी रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं, बेजुबान जीवों को भूलते जा रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया था, पर आज हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। जिस तरह से लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, उससे बचने के लिए लोग जो है वो तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं, कूलर, एसी, फ्रिज का सहारा ले रहे हैं। हमने देखा कि आए दिनों लोग जो हैं वो शवीले लगाकर गर्मी से लोगों को राहत देने की कोशिश जो है वो उनके द्वारा की जा रही है, पर अगर वहीं दूसरी तरफ हम बेजुबान जानवरों की, पशु पक्षियों की बात करें, तो उनके लिए पीने के पानी के भी पर्याप्त साधन जो हैं वो हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये है शालू खजूरिया, उधमपुर की ये रहने वाली हैं और SPCA की मेंबर हैं। बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा ये करती हैं और उसी को अपना धर्म भी मानती हैं। इस गर्मी से बचने के लिए इनके द्वारा जो है बेजुबान जीवों के लिए पर्याप्त इंतजाम यहाँ पर जो हैं वो किए गए हैं। जिस तरह से इंसानों को गर्मी लगती है, वैसे ही बेजुबान जीवों को भी गर्मी लगती है, और इस शेल्टर होम में जो है गर्मी से बचने के लिए जीवों के लिए पर्याप्त इंतजाम जो है वो इनके द्वारा किए गए हैं। पंखे यहाँ पर आप देख सकते हो तस्वीरों में लगाए गए हैं, और भी ठंडक का जो भी साधन हो सकता है इनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और ये इनके अगर हम जीवन की बात करें तो इनका जीवन का लक्ष्य ही यही है, बेजुबान जीवों की ये सेवा करते हैं और इसी को अपना धर्म कर्म भी मानती हैं। शालू खजूरिया जी, अभी आपके द्वारा इनको कुछ पेयजल दिया गया है, क्या आपने इनको दिया है इस समय? सर, इस टाइम मैंने इनको लस्सी, गुंद कतीरा ये दिया हुआ है, चावलों के बीज डालकर और ग्लूकोज डाला हुआ है। हमने देखा कि आपके द्वारा यहाँ पर आपके जो शेल्टर होम है बेजुबान जीवों के लिए आप कार्य करते हैं, यहाँ पर पर्याप्त आपने गर्मी से बचने के लिए इंतजाम जो है वो किए गए हैं। क्या जिस तरह से इंसानों को गर्मी लगती है वैसे ही इनको लगती है, या किस तरह से इनका गर्मी का टेम्परेचर रहता है? और अगर हम बाहर सिटी की बात करें, जो बेजुबान जीव सड़कों पे घूम रहे हैं, तो उनका किस तरह से गर्मी से बचने के लिए इंतजाम है, या क्या आप कहते हैं? सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंसानों को थोड़ी कम गर्मी लगती है, पर जो बेजुबान है उनको ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि इनके ना तो बैठने के लिए कोई जगह होती है प्रॉपर कोई ठंडी, हम लोग तो पंखों के नीचे बैठेंगे, घर के अंदर बैठेंगे, तो हम लोग अपने गर्मी से बचाव कर सकते हैं, पर ये बेजुबान ये है कि इनके लिए तो जगह, आप देखोगे जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है, तो मतलब कि जो भी ये पेड़ पौधों वाली जगहें हैं वो लोग अपने मकान बनाते जा रहे हैं, इनको बैठने नहीं दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मजबूर होकर नालियों का पानी पीते हैं, पर आए दिन आप देख रहे हो कि हम लोग स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम मतलब हमारे उधमपुर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही, खाली उधमपुर में नहीं, हर एक एरिया में देखो डेवलपमेंट हो रही है, मान रही हूँ मैं, पर इनके लिए भी सोसाइटी की कुछ जिम्मेदारी बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि इनके लिए भी तो पानी के लिए कोई स्रोत रखने चाहिए, कोई जगह जगह गमले रखने चाहिए, ताकि ये बेजुबान जो है कि पानी अपना प्रॉपर तरीके से पी सके। जी शालू जी, अगर उधमपुर की बात करें, दमेल चौक की बात करें, जखैनी चौक की बात करें, या फिर जितने भी हमारे चौकीस हैं, यहाँ पर आपको बेजुबान जीव तो दिख जाएंगे, क्या यहाँ पर कोई पानी की प्राप्त सुविधा है उपलब्ध, आप क्या कहते हो? सर, मैं तो आए दिन जो है कि लोगों को यही अवेयर करने की, आप अभी बैक साइड देखोगे हमने पानी के लिए थोड़ा सा रखा है, क्योंकि कौवे इतने ज़्यादा आते हैं। कल मैंने एक रेस्क्यू किया है चूहे का जी, चूहा बड़ी छोटी सी चीज़ है जी, सड़क के बीच चूहे के साथ ना डॉग्स खेल रहे थे, तो मेरे को लगा कि शायद इसको मार रहे हैं, पर जब मैं उसको लेकर आई और मैंने ग्लूकोज वाला पानी उसको जब पिलाया, उसने दो जो 10-10 ml की सिंच थी उसने वो पानी पिया, और उसके बाद वो चूहा एक्टिव हो गया। सोचो कि उसको कितनी गर्मी से उसकी ये हालत है, और हमारे उधमपुर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता जितना इस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इनको हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। ये कहीं पर आप जगहों पे देखो कि लोग कहेंगे ये जी पागल हो गए हैं या रैबिज हो गया, पागल नहीं हुए थे, रैबिज नहीं होता, गर्मी इतनी ज़्यादा है, जब इनको पानी नहीं मिलेगा तो ये किस तरीके से मतलब उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे।
जी देखिए, ये हैं शालू खजूरिया जी हमारे साथ हैं। इनका ये कहना है कि जिस तरह से इंसानों को गर्मी लगती है, वैसे ही इन बेजुबान जीवों को भी गर्मी लगती है। और जैसे कि इन्होंने हमें बताया एक चूहे की कहानी कि किस तरह से वो गर्मी की वजह से प्यास से जो है वो तड़प रहा था, ऐसे ही ना जाने कितने बेजुबान जीव हमारे आसपास प्यास से तड़प रहे होंगे, गर्मी से तड़प रहे होंगे, पर वो अपनी व्यथा जो है वो हमें बता नहीं सकते, इसलिए हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं। शालू जी, जिन लोगों ने पेट एनिमल्स जो हैं वो अपने घरों में रखे हैं, उनको किस तरह से इंतजाम करने चाहिए ताकि वो गर्मी से अपने जीवों को बचा सके? सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर तो वो एक एनिमल लवर है और उन्होंने अपने घर में पेट्स रखे हुए हैं, तो उनके लिए जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो गायें हैं, जो है उनके लिए भी नज़रिया वैसा ही होना चाहिए। इस टाइम उन लोगों ने अपने घरों के बाहर जो है कि गमले रखने चाहिए, और उसको देखो एक डेढ़ महीने की बात है, क्योंकि उसके बाद जब बरसात शुरू हो जाएगी तो उस टाइम तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर एक डेढ़ महीना जो है कि इनको पानी की ज़रूरत है। तो अगर हर इंसान एक मोहल्ले में अगर दो चार गमले भी लग जाए ना, तो उससे इनकी पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी कहते हैं कि जल दान महादान, और अब कुछ दिनों के बाद निर्जला एकादशी, और अब देखोगे बड़े बड़े लंगर्स लगेंगे, लोग पानी पिलाएंगे, इंसानों को पानी पिलाएंगे। पर किसी की भी मैंने जो देखा कि किसी की नज़र इन बच्चों की तरफ नहीं जाती है, कि अगर आप गमला एक रख दोगे 200-300 रुपए के बीच में गमला आएगा, सिर्फ उसको भरना ही है, पर उनको कितने बेजुबानों की जो है कि प्यास उससे भरेगी। लास्ट ये मैंने ये नीचे मामा कुलचे वाले जो बड़े फेमस हैं हमारे उधमपुर में, उनसे मैंने काफ़ी बड़ा गमला एक वहाँ पे लगवाया। पहले तो उन्होंने लगाया, पर आज वो मेरे को खुद कहते हैं कि मेरे को बड़ा खुशी होती है कि जब गाय भी वहाँ पे पानी पी रही होती हैं, डॉग्स आकर पानी पी रही होते, पक्षी, उन्होंने सर इतना बड़ा गमला लगाया है जी, कि एक बार वो दिन में भर देते हैं जी, नेक्स्ट डेट उसको भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सोसाइटी ने ये कि इस बारे में थोड़ा आगे आना चाहिए, और जमीन के बीच अगर हम गमले रखेंगे तो पक्षी नीचे नहीं आते हैं, क्योंकि वो जानवरों से डरते हैं, तो छतों के ऊपर भी छायादार पेड़ में आपने पानी भी रखना चाहिए, और खाने के लिए कुछ दाना जरूर रखना चाहिए। अगर आपके घर में कुछ खाना बच जाता है, वो भी खाना किसी बर्तन में डालकर रख सकते हो, क्योंकि जो गर्मी में उनको खाना ढूंढने के लिए जान, देखो पुराने हमारे पूर्वज थे, वो खाना भी छतों पे डालते थे, बाहर भी डॉग्स को देते थे, एक रीत चल रही थी, एक हमारा कल्चर था। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने पुराने जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं, तो अगर आप लोगों के पास आप नया ताज़ा तो बनाकर नहीं दोगे, अगर आपके पास बचा हुआ खाना ही है, सूखी रोटी बाहर फेंकने की बजाय अगर थोड़े से उसमें दही डाल दोगे, तो वो किसी बेजुबान के मुंह पे पड़ जाएगी, क्योंकि सूखा खाना हम नहीं खा सकते हैं, तो ये बेचारे कैसे खाएंगे, और दाना जो है कि पक्षियों के कितनों का पेट भर जाएगा जी। तो शालू जी, हमने देखा आपने लस्सी इनको दी है, और किस तरह की ऐसी चीजें हैं जो गर्मियों को जो पेट एनिमल लोगों ने घरों में रखे हैं उनको दें, ताकि उनको थोड़ी इस समय गर्मी से राहत मिल सके, कुछ ऐसे जो लोगों को ना पता हो कुछ ऐसी चीज़ें? गुंद कतीरा दे सकते हैं, कद्दू दे सकते हैं। गुंद कतीरा किस रूप में दें? सर, जैसे हम लोग जो चीजें खाते हैं ना, हम लोग इनको दे सकते हैं, ठीक है, शरबत वगैरह या कुछ ऐसा बना के मिक्स कर खाने के बीच में देते हैं, और ये बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। कद्दू हो गया, आलू हो गया, जो ठंडी चीजें हैं वो दे सकते हो। सबसे बड़ी की छाछ, छाछ आप दोगे तो ये खुश होकर पी लेते, और गर्मी से इन लोगों को थोड़ी निजात मिलती है। सभी इस टाइम हाँफ रहे होते, बड़ी बुरी हालत होती है जी। देखिए, इंसान भी इस समय गर्मी से त्रस्त है, और देखिए आप जब लोग निकलते हैं पानी के बिना किस तरह से तड़पते हैं, ऐसे ही ये हमारे बेजुबान जानवर हैं, जीव जंतु हैं, जो हमारे ऊपर ही निर्भर है, हमारी तरफ ही आज की उम्मीद की नज़र से ये हमें देखते हैं, ताकि हम इनकी हेल्प करेंगे या इनके लिए कुछ पर्याप्त ऐसे साधन जो हैं वो बनाएंगे। हमने देखा कि पहले जब पुराने लोग हुआ करते थे, हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, हमने आज भी अगर आप गांव में देखोगे तो हर घर के बाहर जो है वो आपको एक पानी का कुछ ना कुछ स्रोत ऐसा मिल जाएगा जो जीवों के लिए भी रखा होता था। और पर धीरे धीरे हम शहरीकरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, पर उन पुरानी रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं, बेजुबान जीवों को भूलते जा रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया था, पर आज हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आज भी शालू जी, पुराने अगर सिटी की भी बात करें तो घरों के बाहर एक टंकी जैसी बनी आपको ज़रूर मिल जाएगी, और अब हम आखिर में आप सब लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ आप जिस तरह से हमें गर्मी लगती है, इन बेजुबान जीवों का भी आप ज़रूर ध्यान रखिए, जो पशु पक्षी आपके आसपास हैं उनको भी पानी की वैसी ही ज़रूरत है। तो प्लीज़ कुछ ऐसे साधन अपने घर के बाहर ज़रूर रखिए, ताकि उनकी भी प्यास जो है इस गर्मी में बुझ सके। इसके साथ ही अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।